मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट एक दूजे के वास्ते। इस सीरियल में आजकल आप देख रहे हैं कि सुमन के एक्सीडेंट के बाद आजकल जहां वो कुछ भी ना कर पाने पर मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ श्रवण उनकी देखभाल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सुमन के एक्सीडेंट की वजह कहीं ना कहीं श्रवण खुद को मानते हैं। क्या ये इत्तेफाक सुमन और श्रवण को एक दूसरे के नजदीक लाएगा या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? आइए जानते हैं इस सीरियल की सुमन से। अभी फिलहाल तो मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और जैसे आप देख रहे हैं सर पे चोट है, सो जिसकी वजह से आई थिंक पार्शियल पैरालिसिस जिसको बोलते हैं वो हो गया है, मेरे हाथ ठीक से हिल नहीं रहे। तो अभी फिलहाल तो हम वही शूट कर रहे हैं, काफ़ी जगह मैं ट्राई कर रही हूँ अपने आप को मतलब रिकवरी का, लेकिन हो नहीं रही है मुझसे। सो दैट्स व्हाई वी शूटिंग इट। स्टोरी में आगे क्या होगा आप बताना चाहेंगे? आप शेयर आगे, यू नो ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है आगे होने क्या वाला है। आई विश आई न्यू आई कुड टेल यू ऑल, पर जितना मुझे लगता है अभी नोइंग सुमन जिस तरह की लड़की है वो, शी इज़ समबडी जिसको किसी की हेल्प लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर ऐसी बात आ गई है कि अभी वो खुद से खाना नहीं खा पा रही है, खुद से ये नहीं कर रही है, तो लड़ेगी इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली। शी विल फाइट फॉर हरसेल्फ, शी विल ट्राई टू गेट अ बैक टू नॉर्मल एज सून एज शी कैन, क्योंकि वो मतलब अपना बिजनेस तक किसी और को चलाने नहीं देती है। तो ये सब तो दूर की बात है कि वो किसी और को कर देती है। थैंक यू सो मच। तो ये थी सीरियल एक दूजे के वास्ते की सुमन। फिलहाल इसी छोटी सी मुलाकात के साथ ही फिल्मी बीट में बस इतना ही।